अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 30 तारीख है। मैं आपको कोई अपडेट नहीं कर सका किसी भी पेमेंट के बारे में जो कि मैंने सर्दियों के आगाज़ में मुख्तलिफ़ पौधों पे पेमेंट लगाए थे, तो कुछ मसरूफियात की बिना पे मैं बर वक्त उनकी अपडेट नहीं दे सका। तो अभी अपडेट से पहले मैं आपको वो मसरूफियात भी बताता चलूं। अंदरूनी मसरूफियात के अलावा ये थी कुछ बैरूनी मसरूफियात, जिनमें से ये सेब का एक बड़ा पौधा है, ये दूसरा, वो तीसरा पौधा है, और उसके आगे एक दूसरा दरख्त था। उन सब को काट के तो यहाँ पे ये ढेर लगा दिया है। और इसके अलावा अभी ये जो आसमान की तरफ जाते हुए चंद दरख्त हैं, इन्हें काटना है या कटवाना है, देखूंगा कि मैं बजाते खुद क्या कर सकता हूँ। और इसके अलावा ये है एक प्लम ट्री, तो चूंकि अभी इसे ट्रिम करना मुनासिब नहीं है, तो मैं इन्हें मज़ीद 2 या 3 हफ्ते के बाद इनकी काट छांट करूँगा। मेरा ख्याल है कि इसकी मैं सिर्फ चौथा हिस्सा शाखें रहने दूंगा और बाकी काट के तो उन पे नए पैबंद लगाऊंगा। तो ये है मेरा आइंदा का एक प्रोजेक्ट जो कि चंद महीनों के बाद शुरू हो जाएगा। तो ये है क्विंस ए का रूट स्टॉक, और नाशपाती के इस पौधे पे मैंने 5 मुख्तलिफ पैमद लगाए थे, और इस वक्त बाहर बहुत सख्त सर्दी और ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए मैं इसे कमरे के अंदर ले आया हूँ। सबसे नीचे ये है रेड विलियम्स, और आप देख सकते हैं कि इसका छोटा सा शगुफा जो है वो निकल रहा है। इसी के ऊपर ये दूसरी जल्दी पकने वाली वैरायटी है, जिसकी शाख काफ़ी लंबी हो चुकी है। जब भी कोई पैबंद इतनी जल्दी बढ़ना शुरू कर दे, तो सबसे मुनासिब होगा कि उसे काट दिया जाए, और उसका साइज कम करने से ये जो दूसरे पैबंद हैं उन्हें मौका मिलेगा कुछ ऊपर बढ़ने का, और दूसरा बजाय इसके कि ये खुद अपनी लंबाई और वजन की वजह से टूट जाए, मजबूत होने का मौका मिलेगा। तो इसलिए ऊपर से मैंने कुछ इसका ऊपरी हिस्सा काट दिया है ताकि ये टूटने से भी बच जाए, और दूसरे जो पैबंद हैं उनको भी कुछ मजीद ग्रोथ का मौका मिले। इसके ऊपर तीसरी वैरायटी जो है वो है पायरस कम्युनस ब्यूटीरा, और दूर से तो शायद नजर ना आए, लेकिन नजदीक से देखने से ये आप देख सकते हैं कि इसका
शगुफा निकल रहा है। चौथी वेरायटी यह है, चौथी वेरायटी, और यह है बॉन लुईज, और ये इसके ऊपर ये रूट स्टॉक की शाख है। क्योंकि अभी सभी पैमन उन्होंने उगना शुरू कर दिया है, तो इसलिए इसे मैं काट दूंगा। तो इन सब से ऊपर ये कॉन्फ्रेंस वैरायटी का पैमन लगाया गया था। और ये आप देख सकते हैं कि इसके दो शगुफे, एक ये और एक ऊपर, ये दोनों भी निकल आए हैं। और इसका ऊपरी हिस्सा मैं थोड़ा सा काट दूंगा। मैं ज़्यादा बुलंद पौधे उस मखसूस जगह पे नहीं रख सकता। दूसरा, अभी जो पैमल जो बमुश्किल जिन्होंने उगना शुरू किया है, उन्हें भी मौका मिलेगा कि वो अपनी ग्रोथ में कुछ मजीद इजाफा कर लें। तो ये तो था वीडियो नंबर 370 और 371। ये तो थी उनकी अपडेट। इनके लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप ओरिजिनल देखना चाहें तो आप उन पे क्लिक करके देख सकेंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद हो तो आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।